नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वादे के मुताबिक आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ ढेर सारा बात करने और फिर से एक मज़ेदार कहानी सुनाने। तो क्यों दोस्तों, सुनेंगे ना आज की कहानी। पिछली बार के जैसे यह कहानी भी बहुत ही मज़ेदार है और इस कहानी से हम सीखेंगे कैसे मिलजुल कर काम करके लड़के और लड़कियों के बीच असमानता को दूर कर सकते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी कहानी के अंत में मैं आपसे पूछूंगी कुछ खास सवाल। आज की कहानी है दो दोस्तों की, रंजन और कुणाल की, जो एक ही गांव में रहते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बाप रे, चूल्हे पर काम करते हुए कितनी गर्मी लगती है, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ। अब तुम्हें भी एहसास हो रहा है ना, लेकिन साथ काम करने में अच्छा भी लगता है। क्यों? हाँ, एक दूसरे की मदद करते हुए मिलजुल कर काम करना अच्छा लगता है। तुमने देखा, आजकल रंजन घर पर कभी झाड़ू लगाता है, कभी बर्तन धोता है, तो कभी पानी लाता है। अच्छा, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है रंजन की मम्मी कहीं गई होगी। अच्छा, कहीं वह बीमार तो नहीं। रंजन बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक तो है ना? जी आंटी, वह ठीक है। क्यों पूछा आपने? नहीं, ऐसे ही तुम्हें घर का काम करते हुए देखा तो सोचा कुछ बात है क्या। मैं अपनी मर्जी से घर का सभी काम करता हूँ, स्कूल में भी तो यही बताते हैं ना। लेकिन यह काम तो लड़कियों का है। होटल में लड़के भी खाना बनाते हैं ना, फिर घर में क्यों नहीं? हाँ, घर अपना तो घर का सब काम भी अपना, पर कुणाल तो यार आज स्कूल में नहीं, घर पर खेलते हैं। तुझे आजकल घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? अरे तू चल तो बहुत मजा आएगा। ठीक है चल। अरे यह क्या कर रहा है? घर का काम कर रहा हूँ और क्या। अरे यार, काम तो काम ही होता है ना। याद है जेम्स के क्लासेस में क्या बातें बताई गई थी? लड़का लड़की में समानता के बारे में। एकदम ठीक, लेकिन समानता तो तब होगी जब लड़का लड़की मिलकर काम करेंगे। तो रुक यार, दीदी की पढ़ाई हो जाए फिर हम तीनों एक साथ खेलेंगे। दीदी भी क्रिकेट खेलेगी? हाँ क्यों नहीं। अरे ये देखो, कल तक तो सिर्फ रंजन ही लड़कियों का काम करता था, आज तो कुणाल भी चालू हो गया। हंसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का काम सबका काम होता है, इसमें शर्म कैसी। हाँ, जैसे आज तुम और हम बदले हैं, वैसे कल हमारे और भी दोस्तों में बदलाव जरूर आएगा। अरे दीदी, आप तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेती हैं। पहले कभी साथ खेलते तब तो पता चलता। हर काम लड़के और लड़कियां बराबरी के साथ कर सकते हैं, तो हमें लगा कि हम साथ क्यों नहीं खेल सकते। हमने तो लड़के और लड़कियों के कामों के बारे में असमानता को दूर कर लिया, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी, है ना यह भी मज़ेदार। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। हमारा आज का पहला सवाल, क्या रंजन का घर के कामों में हाथ बटाना, जैसे कि झाड़ू लगाना एवं बर्तन धोना सही है? अगर सही है तो क्यों, अगर सही नहीं है तो क्यों? दूसरा सवाल, लड़का लड़की में समानता के बारे में आप क्या सोचते हैं? तीसरा सवाल, क्या आप भी अपने घर के काम में मदद करते हैं? यदि मदद करते हैं तो कौन कौन से काम में, आप अपना अनुभव बताएं। चौथा सवाल, अगर आप अभी तक घर का काम नहीं करते हैं तो क्यों? क्या आप अब अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को काम करने में मदद करेंगे? तो दोस्तों, जल्दी से तैयार हो जाइए और इन सवालों का जवाब जल्द ही हमें लिख भेजिए। आप इस कहानी को अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों को भी दिखाएं और इन प्रश्नों पर चर्चा करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें लिख भेजें। तो अब चलते हैं, फिर आएंगे दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए रहें आप उमंग के साथ। जोहार बच्चों और ढेर सारा प्यार।